फाटक यहाँ पे आपको एक लगाए कुछ और गिफ्ट रख दिया मैंने, छोटे छोटे बच्चे। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग जाने वाले एक नई जगह हमारा एनिवर्सरी स्पेंड करने। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी रिसॉर्ट है थंबनेल देखकर, बट कंप्लीट डिटेल के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। काफ़ी बढ़िया सा रिसॉर्ट है और अभी हम लोग अपनी एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। तो यहाँ चल रही है पैकिंग, हो गई है पैकिंग कम्प्लीट और ऑलमोस्ट वी आर रेडी और कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो कैमरा वैमरा भी सेटअप हो चुका है और अब बस निकलना बाकी है। ये हमारी मैडम जो कभी भी टाइम पे नहीं रहती है, आज भी लेट कर दिया। ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है यहाँ पे 12:30 और अभी भी वी आर स्टिल गेटिंग रेडी। पता नहीं कब पहुँचेंगे। चेक इन टाइमिंग तो 2 बजे का है बट अनफॉर्चुनेटली हमें लेट हो चुका है। सो चलो अब क्या कर सकते हैं, मिलते हैं रास्ते में। स्वागत है आपका हमारे मोटो व्लॉग वाले व्यू पे। डेट जो है आज वो 10 मई है। हम हैं कोरमंगला के पास, ये फोरम मॉल जो कि अब नेक्सेस हो चुका है। इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे और जो रिसॉर्ट है रॉयल ऑर्किड रिसॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर उसका नाम है, और ये लंकाप के पास ये रिसॉर्ट है। वेदर जो है ना बैंगलोर का चेंज हो चुका है यार। पहले जो ज़रा भी गर्मी नहीं होती थी यहाँ पे, और अभी आप थोड़ी देर के लिए भी बाइक खड़े करते हो ना तो पूरा स्किन जलने लगता है। काफ़ी हीटअप हो गया बैंगलोर। आई रिमेंबर 10 ईयर्स बैक जब मैं यहाँ पे था तो उस समय तो हमें चादर ओढ़ के सोना पड़ता था रात में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कबन पार्क के पास, और इसे कह सकते हो मेन एरिया ऑफ बैंगलोर। यहाँ पे मेट्रो भी है यहाँ पे और इधर से कबन पार्क है। और मैप में स्टिल 24 मिनट दिखा रहा है हमें जाने में। काफ़ी ट्रैफिक। ऑल्दो टुडे इज़ अ वोटिंग डे इन बैंगलोर, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। काफ़ी बाइक हमने टेस्ट करी कि कौन सी बाइक ली जाए। हमने इंटरसेप्टर चलाया, हमने 390 चलाया, KTM फ्रॉम KTM एंड मैनी मोर वी हैव ट्राइड। आप वीडियो जाके देख सकते हो। बट अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि कौन सी बाइक ली जाए। किसी में हाइट की प्रॉब्लम है, किसी में पावर मुझे कम लगती है, तो किसी की प्राइस ज़्यादा है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सी बाइक लेनी चाहिए जिससे टूरिंग भी कर पाएँ एंड सिटी राइड थोड़ा बहुत ही करेंगे, क्योंकि ये बाइक मैं तो बेचने वाला हूँ नहीं। ये अच्छा रोड है, इधर चलाने का मज़ा है अलग। ओह थोड़ा स्लो। बुलेट का जो है ना आवाज़ ही अलग है, बगल से गुजरती है तो पता चल जाता है कि भाई बुलेट है बुलेट। अभी हम लोग फ़िलहाल आ चुके हैं हेब्बाल ब्रिज पे, और आप देख सकते हो ये रोड सीधा ये लंका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्ट्रेट हैदराबाद भी निकल जाएगी यही वाली रूट। तो हेब्बाल के बाद हमें लेफ्ट टर्न लेना पड़ा थोड़ा ही आगे जाके, और यहाँ पे ब्रिज के नीचे आना है आपको। वो लोकेशन ब्रिज के नीचे दिखा रहा था, और ऊपर ये सीधा जो रूट ऊपर आप देख रहे हो ब्रिज वाली वो एयरपोर्ट तक सीधा जाएगी। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, आलासंद्रा जगह का नाम है, और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट टर्न। और ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला है ना यही रिसॉर्ट है आई बिलीव, या आगे से रास्ता है। सो काफ़ी इजी है यहाँ तक पहुँचना, और ये शहर में ही है। ये लेफ़्ट साइड में ये गेट है आपका रॉयल ऑर्किड रिसॉर्ट। ये बाइक को पहले पार्क करते हैं, पार्किंग एरिया ठीक ठाक ही है, इधर ही पार्क कर देते हैं। So, ये इनका रिसेप्शन एरिया। फुटबॉल भी रखा हुआ है, और ये है पूल, कैरम है, और ये है। तो फाइनली हम लोग रूम एंटर कर चुके हैं। और आपको दिखाता हूँ रूम टूर। तो चलो पहले चलते हैं बाहर और बाहर से मैं आपको सीधे अंदर लेके आऊँगा। तो ये है बाहर का व्यू होटल का, और इधर से आप देख सकते हो पीछे पार्किंग एरिया है एंड कन्वेंशन सेंटर वहाँ लिखा हुआ है। अभी एक्सप्लोर करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या है यहाँ पे। बाकी रूम तो हमें काफ़ी पसंद आया। सो ये है रूम, तो यहाँ से की लगा सकते हो और फिर ये जो है ये आपका पैसेज है और यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिलता है जहाँ पे आप आयरन भी दिया है, हैंगर भी है और काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज है। और फिर आप इधर आते हो तो यहाँ पे एक फ्रिज का भी ऑप्शन है, फ्रिज भी आपको मिलता है जो मैं आपको दिखाना भूल गया था। अभी ये खाली है और जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे एक सेफ प्लेस भी है टू लॉक योर इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड लॉक नंबर डाल के आप यहाँ पे अपने सामान को सेव कर सकते हो अगर ज्वेलरी एंड ऑल दैट इफ यू हैव। और फिर यहाँ पर आपको कॉफ़ी के लिए केटल मिलता है एंड ऑल दैट। और यहाँ पे एक विंडो है, मिरर है यहाँ पे। बाइक से आके ना बाल ख़राब हो जाता है, हेलमेट वेलमेट लगा के। सो चलो फिर रूम को दिखाते हैं। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है और एक LCD TV भी है यहाँ पे और एक ग्लास है यहाँ पे, AC इधर लगा है और काफ़ी अच्छा सा रूम है। एंड देन यू हैव अ मिरर ओवर हियर, वन सोफा इज देयर और एक स्टडी टेबल बोलो या स्टडी टेबल टू यूज़, दिस इज देयर, विल कम देयर लेटर। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आई ओके विल शो यू द वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है इनका। सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको एक टब मिलता है और यहाँ पे आपको बेसिन है और जो सारा एरिया है और इधर है आपका टॉयलेट। तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट नीट एंड क्लीन एंड इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हेयर ड्रायर भी मिलता है और यहाँ दिखते हैं अनुराग जायसवाल और पीछे है भावना। तो शावर में आपको यहाँ पे ना शावर अर्थ की शैम्पू मिलेगी और सार जेल भी मिलेगी और यहाँ पे भी आपको वही हैंड वॉश भी है और बॉडी लोशन भी आपको मिलता है। और क्या है यहाँ पे, ओके सो अगर आप सेपरेटली आप देखो यहाँ पे तो आपको और भी सावर कैप भी मिलते हैं, टूथब्रश भी है। सो एवरीथिंग दे हैव केप्ट इट इन अ वेरी नाइस वे, सो इट्स वेरी गुड। तो चलिए अब बेस्ट पार्ट जो है वो एक बेस्ट पार्ट था और दूसरा बेस्ट पार्ट जो है इस रूम का वो है हमारा बाहर जो कि है बालकोनी एरिया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बालकोनी से क्या नज़ारे हैं बाहर के। वाह। तो बाहर निकलते साथ आपको मिलेंगे 2 चेयर, जगह बैठ के जो भी टाइम पास करना है करो आप। और इधर है एक होटल जो उधर पूल है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे कुछ देर में। हमने अपने बुकिंग में एवरीथिंग इंक्लूड किया था तो प्राइस लाइक लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज देयर। सो एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो रॉयल ऑर्किड रिसॉर्ट है इनकी ऑलमोस्ट 80 होटल्स अक्रॉस इंडिया इन 50+ लोकेशन है। सो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। चैनल का नाम है ऑटो फ्रीक एजे। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स और कमेंट करके बताना कैसा लगा ये होल टूर इस रिसॉर्ट का और हमारा वीडियो भी। तो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी टाइम हो चुका है 2 बजने वाला ऑलमोस्ट और अभी हम लोग को जाना है लंच के लिए। लंच का टाइम हो गया है तो सेपरेट बफ़े है पैकेज में। तो अभी बफ़े में देखेंगे क्या क्या फूड्स हैं और क्या मेन्यू है वो आपको भी दिखाऊंगा और थोड़ा थोड़ा टूर भी करेंगे नीचे जाके पूरा रिसॉर्ट का। और फिर लंच के बाद देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने को यहाँ पे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो सी यू आफ्टर सम टाइम, बाय बाय। सो वी आर एट रेस्टोरेंट का दिस होटल और यहीं पे बफ़े सिस्टम है। और चलिए देखते हैं फिर क्या क्या है यहाँ पे लंच में आज। कौन सा सूप है? टॉम यम वेज सूप। वेज सूप है यहाँ पे, वेज सूप है। चलो ज़्यादा सूप नहीं पीना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है? अच्छा ये सूप का ये है, यहाँ पे ब्रेड है, पापड़ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉसेस है। फिर यहाँ पे सैलेड्स हैं, पनीर बटर मसाला, आलू भाजी, ये है फिर यहाँ पे आपको दाल हरा प्याज़ा और कॉलीफ्लावर बोरिंग वेज हक्का नूडल्स एंड चिल्ली वेजिटेबल विथ संघाई सॉस फ्रेश चटनाड है। और यहाँ पे वेजिटेबल चिकन राइस है और ये रसम है। और यहाँ पे आपको ठंडे ठंडे आइस में रखा हुआ है कट राइस। और यहाँ पे डेजर्ट्स आइस डिशेज केक पेस्ट्रीज पे आपको सैलड्स ले ली। तुम क्या क्या ले रही हो? I am not getting what to take. I need रोटी, तंदूरी रोटी ऑर्डर दे सकती हो? हाँ दे सकती हो ना। तो हम लोग बैठे गए यहाँ पे और ये रेस्टोरेंट एरिया काफ़ी बड़ा एरिया और काफ़ी अच्छा भी है। फूड टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसी है। तो एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे कि हमको वेज में भी काफ़ी सारे मेन्यू हैं और नॉन वेज में भी फिश भी है और चिकन भी है। और वेज में तो आपको बैगन की एक सब्ज़ी है और आलू फ्राई भी है और पनीर भी है। तो वेज वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से आके आप खा सकते हो। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तब भी कोई काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आई मीन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट इज़ क्वाइट गुड। चिकन की भी टेस्ट अच्छी है, मछली भी मैंने ट्राई किया, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तब तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो आगे देखते हैं और क्या है और आपको फिर बताते रहेंगे, वीडियो में बने रहना। अभी है डेजर्ट टाइम और हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे हलवा भी है। यस, हलवा ब्लूबेरी मूस। दिस इज हलवा ब्लूबेरी मूस, पीनट बटर ब्राउनी, स्ट्रॉबेरी जो भी है। अच्छा है ना, चलो खाते हैं। किधर? और ये रैबिट का घर है। अरे अंदर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बहुत सारा, देखो कितना क्यूट लग रहा है। रैबिट के बच्चे हैं कितने सारे, क्यूट क्यूट। और इधर भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पे अभी तक तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें एंजॉय कर रहे हैं हम। और थोड़ा फोटोशूट तो लेते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सिनेमैटिक। आपको रैबिट हाउस मिलता है, स्विमिंग पूल है इस साइड में, बटरफ्लाई गार्डन, चेस बोर्ड, आर्चरी, 9th माइल ढाबा भी है, कन्वेंशन हॉल इंडोर एंड इंडोर गेम्स। तो चलिए आगे जाके देखेंगे क्या क्या है लोकेशन पे। तो ये है 9th माइल रेस्टोरेंट ढाबा। कहाँ पे? वाइट भी। यहाँ पे बड़ी सी पेड़ है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड लगा ये रिसोर्ट मेरे को। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, झूले लगे हैं और यहाँ पे फोटो शूट भी कर सकते हो। और पीछे पूल है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल कुछ फ़ोटो लेते हैं। तो अभी हम लोग इधर पूल के एरिया में जाने वाले हैं और उससे पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक ढाबा स्टाइल का सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे खटिया मिलता है। यहाँ बैठ के आप मूवी लगा के देख सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे भी लॉन एरिया है, पार्क जैसा खुला एरिया है और इधर पूल है। अब इधर भी जाएंगे हम लोग। तो ये है आपका पूल एरिया। और इधर है, इधर और भी ओपन एरिया है, पीछे साइड में जाके भी दिखाता हूँ आपको। काफ़ी बड़ा है ये रिसोर्ट और क्लीन है और वेल मेंटेन्ड है। इवन आई ट्राइड द वॉशरूम, दैट वाज आल्सो गुड, क्लीन एंड वहाँ प्ले एरिया, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, जंप कर रहे हैं। और पीछे साइड भी रिसॉर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के रूम्स होंगे वहाँ पे। आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे बालकोनी, आई मीन सिटिंग एरिया है उस साइड के रूम्स में। आई थिंक वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी रूम होगा। और इधर ओपन एरिया है और इस साइड भी है, व्हाट इज़ दैट, लॉन एरिया है। ये लॉन एरिया है, इधर मैरिज पर्पस कुछ फंक्शन हो या कुछ पार्टीज़ या कोई एक्टिविटीज़, आई थिंक दे विल अरेंजिंग हियर। तो उधर आप आर्चरी भी खेल सकते हो, निशाना लगा सकते हो। मिनी क्या है, गोल्फ, बटरफ्लाई, मिनी गोल्फ भी है। चलिए देखते हैं सुपीरियर और देयर वहाँ पे सुपीरियर रूम्स हैं। इधर सुपीरियर रूम ये है इंडोर स्पोर्ट्स अरीना एरिया। ये जिम एरिया है और इधर वॉशरूम है, लेडीज़ एंड जेंट्स। वॉशरूम में काफ़ी मेंटेन्ड है, जैसा कि मैंने पहले ट्राई करके देखा और अभी आपको थोड़ा सा वॉशरूम दिखाता हूँ। काफ़ी वेल मेंटेन्ड बाथरूम है, क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा गया रिसॉर्ट में। और चलो देखते हैं ये जिम खुला है या नहीं। आई थिंक जिम इज़ क्लोज्ड फॉर नाउ, और इज इट ओपन? ओके, इट्स ओपन ओनली। सो यहाँ पे जिम एरिया भी है, काफ़ी बड़ा जिम है, मैनी मशीन। क्या कर रही है? ओहो हो हो, कोई पोज ना आ जाए। तो चलो अब थोड़ा पूल वूल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी डूबना है ना तुमको? तैरना नहीं आता, डूब ही जाऊंगी फिर। वो फिर मैं बचाऊंगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चों के निकलने का, फिर हम लोग भी स्विम करेंगे। वैसे मुझे स्विमिंग पूरी तरह से आता नहीं है, बट विल ट्राई। तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है पहले, तो उसी हिसाब से मैं थोड़े बहुत स्विमिंग कर लूँगा। अभी वीडियो बन रहा है। Kannada. He knows Kannada, but we don't know Kannada. She's asking if we do videos in Kannada or English. Okay, so हम लोग अभी swim कर रहे हैं. We are trying to swim और ये लड़की बहुत डरी हुई है. हाँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है पानी. She want to go in kids section. What's your name? Hannah. Hannah. Okay, Hannah is also swimming with us. She don't know swimming, yeah? You know swimming? Yeah. You know. Then it's fine. She is not trying. You are coming for summer camp, huh? Yeah. Okay. So how? What is the timing for summer camp? Today we leave. Full day. Full day. 3 days. 2 दिन हो गए last day. They'll be leaving today. Come visit Royal Orchid and then subscribe, hit the bell icon, like, share, comment. Swimming pool पे भी गए थे और वहाँ से आने के बाद थोड़ा वो जो chemicals आया था ना उसके कारण itchy हो रहा था, so I came to bathtub और काफी इंजॉयबल। ये बस पानी है, डोंट टेक इट अ ड्रिंक। सो अभी समय हो चुका है 7:30 ऑलमोस्ट और भावना हो रही है रेडी। और मैं भी हो चुका हूँ रेडी और हम लोग अभी चाय पी के फिर नीचे जाएंगे। नीचे कुछ कुछ गाने बज रहे हैं, विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन डाउन। और फाइनली ये भी आ गई है तो चलो अभी ये चाय बनाएंगे, देन विल हैव टी एंड आफ्टर टी विल गो डाउन। चाय में भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। कौन सी चाहिए? ग्रीन टी मसाला टी, असम टी इज देयर, ग्रीन टी इज देयर, ब्लैक टी एंड ब्लैक टी इज आल्सो देयर, और मसाला चाय भी है यहाँ पे। मसाला चाय किधर के है? अच्छा, वो हमने फेंक दिया पी के, वो भी ऑलरेडी टी बन चुका है। सो केटल मिलता है, आप खुद से भी बना सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी नीचे जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो हम अभी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा चाइनीज़ ट्राई कर रहे हैं नाइट डिनर के लिए, और फिर हम लोग खाएँगे और अदर कुजीन जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखते तो अच्छा लग रहा है, लेट्स सी टेस्ट। सो अभी मैंने लिया है चिकन बिरयानी, दिस इज़ मद्रास चिकन, और ये फिश कैंटोइस सॉस बोल के विल टेस्ट इट, लेट्स सी। सो रात वाले डिनर में कम्प्लीटली नॉनवेज मैंने लिया है। सो मेनू इज़ क्वाइट गुड हियर। भावना इज रिकॉर्डिंग वीडियो देयर। So food is quite nice here and taste is very delightful. So whenever you are coming, you can have a booking of the complete package where you get a breakfast, lunch and dinner as well. So I'll recommend definitely you can have this. भावना को भेज दिया था मैंने बाहर क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू सरप्राइज हर। सो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या मैंने डेकोरेट किया है। बस बलून्स लगाए हैं कुछ और गिफ्ट रख दिया मैंने। तो अभी उसको बुलाएंगे और फिर दिखाएंगे कि कैसे मैंने डेकोरेट किया रूम, और लेट्स सरप्राइज हर। आपको कैसा लगा ये डेकोरेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टाइम हो चुका है, 12 बज गया है ऑलमोस्ट, अभी 5 मिनट और बाकी है। तो अभी भावना को जाके बुलाते हैं और उसे सरप्राइज़ देते हैं। आ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। तो ये है, कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा है। तुम्हारा गिफ्ट भी है किधर? इधर, यहाँ। अच्छा, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। और ये भी कितना सारा है, थैंक यू। और इसके अंदर भी कुछ है। ये है हमारा केक आज का। वाओ, सो स्वीट। आई लव यू माय स्वीटहार्ट। चलो अब इसे काटते हैं। बहुत अच्छा, आई लाइक इट। फाइनली केक से हमारा कट गया और हमने अच्छे से अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया यहाँ पे। तो काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम था। घर वालों का भी कॉल आया, सो हमने कॉल भी रिसीव किया है इस बीच। और समय हो गया अभी ऑलमोस्ट 12:30, काफ़ी लेट हो गए हम। बट एक्सपीरियंस ओवरऑल जो था यहाँ पे वो सब कुछ बहुत अच्छा था, और सारी डिटेल्स मैं वीडियो में आपको डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। क्या कॉस्ट काफ़ी अफोर्डेबल है, अगर आप सही समय पे इसे बुक करते हो तो आप भी अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे, लोग यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आते हैं, तो आप भी प्लान कर सकते हो इस तरह का। और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड don't forget to hit the bell icon because you'll always get notification if we upload any new videos. So new videos will be coming very soon and you'll be enjoying with us a lot. So stay tuned. Thank you. Bye bye.